प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे हैं दुर्ग, आज बारी है अल्फाबेट जे की, ठीक है ना। कल अपन हनुमानगढ़ बटनेर देखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आज देखेंगे जे। जे में सबसे पहले अपन देखेंगे जयपुर, ठीक है। तो जयपुर में कुल 6 फोर्ट आएंगे, 3 तो मेन है और 3 थोड़े से गौण है कंपेरेटिवली। तो 3 मेन में अपन देखेंगे आमेर का महल, जयगढ़ एंड नाहरगढ़, ठीक है। यू तो सबसे पहले देखते हैं अपन आमेर का दुर्ग, ये इसी क्रम में है, ठीक है ना। और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और चीजें बताते रहेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं आमेर दुर्ग, माइक्रोस के देखते हैं अपन क्या क्या है। सबसे पहले अपन देखें काली खो, है ना। काली खो तो ए तो पहला स्वर है, क पहला व्यंजन है, तो ए आमेर क काली खो। काली खो पहाड़ी पे स्थित है, कौकिल देव ने सबसे पहले इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अपन देखेंगे इसके बारे में स्टेटमेंट है, अब्राहम ने कहा है, ये बिशप एयर ने कि जैसा मैंने क्रेमलिन में देखा और अब अल्ब्राहम के बारे में सुना, उससे भी कहीं बेहतरीन है यहाँ के महल। तो पूछा जाता है कथन किसके लिए है, यह आमेर दुर्ग के लिए, ठीक है। फिर है मान, ये मिर्जा राजा मानसिंह ने बनवाया था, ठीक है ना। फिर अपन देखेंगे कि जो परवर्ती मुगल शासक है ना, परवर्ती मुगल शासक मतलब जो औरंगजेब के बाद जो हुए, ठीक है, उनमें सबसे पहले शासक है बहादुर शाह और सबसे अंतिम भी है बहादुर शाह। तो सबसे पहला जो बहादुर से शासक है उसने जयपुर को जीता और जयपुर का नाम बदले कर दिया था मोमिनाबाद, ठीक है। और फिर सवाई जयसिंह ने वापस इसको जयपुर को जीता और मोमिनाबाद का नाम बदल के वापस जयपुर किया। तो पूछते हैं मोमिनाबाद किसका नाम था, और आमेर दुर्ग का नाम कर दिया था मोमिनाबाद, ठीक है ना। तो चूंकि सवाई जयसिंह जयपुर के संस्थापक थे तो यूं है कि जयपुर का नाम मोमिनाबाद कर दिया गया था। तो अपन देखो 2-3 नाम देख चुके हैं, मैं आपको बताऊं, है ना, मतलब एक ही नाम बच रहा है जो अभी तक नहीं देखा अपन ने, तो मध्यकालीन नामों में जो आएगा ये। तो देखो चित्तौड़गढ़ देखा खिजराबाद है, सिवाना बाड़मेर देखा खैराबाद है कि नहीं। अब ये जयपुर देख लिया आपने मोमिनाबाद, अब जालौर, जैसे जालौर देखेंगे उसमें आएगा जलालाबाद ऐसे। फिर एक अपने करौली में अपने देखा था इस्लामाबाद ऐसे, ठीक है। तो ये मोमिनाबाद, सवाई जयसिंह, बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह साहिब कफर और सवाई जयसिंह ने फिर वापस को जीत लिया। तो ये इसका मतलब अपना बेसिक एक माइक्रो है जो हम लोग देखनी है। अब देखते हैं फैक्ट्स के रूप में, दुर्ग महल, ये दुर्ग महल, ये जो दुर्ग है ना ये महल की आकृति में है, ठीक है ना। महल की आकृति कहने मतलब इसको रहने के लिए बनाया, इसके ऊपर आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। तो इसमें अपन जैसे अपन देखते हैं बुर्ज वगैरह और जो हमला करने के लिए चौकियां हैं उसका अभाव है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आमेर का महल बोलते हैं इसको ज्यादातर, है ना। ऐसा क्यों हुआ कि क्यों इसको दुर्ग की उसमें शैली में नहीं बना, क्योंकि मुगलों से दोस्ताना संबंध थे इस कारण से, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह दुर्ग महल की आकृति में बना हुआ है कारण मुगलों से दोस्ती, तो कोई हमला हो ही नहीं सकता था, वैवाहिक संबंध स्थापित हो ही गए थे बारमल के समय अकबर से अर्का भाई। अन्य नाम इसके देखते हैं अपन, अंबावती व अंबिकापुर, ठीक है, अंबावती व अंबिकापुर। तो हाँ चलो अंबावती अंबिकापुर, प्रकार कैसे है, गिरी है, तो गिरी पहाड़ी कौन सी है, कालीखो, ये मैंने बताया कालीखो पहाड़ी, निर्माण हुआ 1594 में, है ना। अब देखो 1594 ना कितनी ब्यूटी है देखो, इसी के अक्सर ऊपर आगे पीछे कर दोगे ना 1, 4, 5, 9 तो ये जोधपुर का स्थापना आ जाएगी राव जोधा द्वारा, ठीक है। और इसी में आगे पीछे कर दो इन अंकों को तो 1, 5, 4, 9 ये आमेर का दुर्ग बन गया। तो देखो ये ब्यूटी अंकों की बस होना चाहिए। निर्माता कौकिल देव, है ना, तो काली खो पहाड़ी, काली खो है ना, मतलब काला तो काला रंग, खो का मतलब होता है जैसे खो नागोरिया है, तो मतलब खो का मतलब गुफा, ठीक है, काली खो। तो कौकिल देव ने यहाँ इसको मतलब अपने यहाँ दुर्ग को एक जैसे अपन देखते हैं ना कि स्थापना करी, छोटे मोटे कमरे से बनाए, लेकिन जो आज अपन वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो दिया हुआ मिर्जा राजा मानसिंह का, ठीक है ना। आधुनिक फिर अपन देखते हैं आधुनिक निर्माता कौन है, मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है ना, आधुनिक निर्माता मिर्जा राजा मानसिंह। निर्माण शैली कैसी है, राजस्थान का प्रथम दुर्ग जो हिंदू मुस्लिम शैली का बना हुआ है, ठीक है ना, राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जो राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जो हिंदू मुस्लिम शैली का बना हुआ है, समझ रहे हो, हिंदू मुस्लिम शैली। तो मुस्लिमों का प्रभाव कैसे आया, भाई मुस्लिमों से दोस्ती हो गई थी, मतलब मुगल शासक को दोस्ती हो गई तो प्रभाव तो आना ही है, ठीक है ना, ऐसे है। तो देखा मुस्लिम दोस्त का दो फायदा निकला, मुस्लिम शासक को मतलब मुगल शासक को दोस्त का दो फायदा निकला, एक तो क्या, ये तो अपन शैली देखते प्रभावित, और दूसरा महल की आकृति बना, हमले की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, है ना। हमले की गुंजाइश तो किन से थी, मराठाओं से थी। अपन देखेंगे सवाई जयसिंह जब जयगढ़ के अंदर जयवान टॉप बनेगी,
मुगलों से डर नहीं था इनको, है ना, मेन जो मुगल्स थे उनसे। वो बात दूसरी, बाद में जैसे अपन देखते बहादुर शाह, तो वो भी सवाई जयसिंह ने जो मतलब सवाई जयसिंह के समय जीता ना मोमिनाबाद के, या बहादुर शाह ने, वो सब मराठाओं के कारण हुआ। तो औरंगजेब के बाद तो मराठा आ गए थे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पावर में, है ना। तो वो जो मैंने बताया था बूंदी वाला एपिसोड सारा, बुद्ध सिंह आड़ा, दलेर सिंह है, जीजाजी बदलाम जवाई, जीजाजी बनाम जवाई, सब उसकी देन थी ये मोमिनाबाद। समझ गए, तो याद है मिर्जा राजा मानसिंह। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जो हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है, बिशप हेबर, है ना। अभी ये दो खतन आएंगे, बिशप हेबर और फर्ग्यूसन। बिशप हेबर है ना, वास्तुविद हुए, इन्होंने क्या बोला कि मैंने क्रेमलिन, क्रेमलिन मॉस्को में है, महलों के लिए जाना जाता है, मैंने क्रेमलिन मॉस्को में जो देखा, और अलब्रह्मा, अलब्रह्मा जो है ना ये स्पेन में जगह जो दुर्गों के लिए जानी जाती है, अलब्रह्मा स्पेन के बारे में जो सुना यहाँ, है ना, यहाँ कोमा लगाना, जो सुना कोमा, यहाँ आमेर के महल उनसे भी बढ़कर है, है ना, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के मतलब यहाँ, यहाँ मतलब आमेर के महल उनसे भी सुंदर है ना। अलब्रह्मा में जो देखा और मतलब क्रेमलिन में जो देखा और अलब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे भी कहीं बेहतर। तो क्रेमलिन है मॉस्को के अंदर, अलब्रह्मा है स्पेन में जगह, तो जानी जाती है अपनी वास्तुकला के लिए, ठीक है ना, उनसे भी कहीं बेहतरीन है अपने आमेर के महल। किसने बोला? बिशप हेबर ने बोला। किसके लिए बोला? आमेर महल के लिए बोला। बहुत इंपॉर्टेंट कहते ना, बहुत पूछता है। फिर फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने क्या है, यहाँ पे गणेश पोल है आमेर महल में, जैसे अंदर अपन चढ़ते हैं और फिर सामने एक भव्य दरवाजा आता है, फोटो में दिखाऊंगा, तो उसको बोलते हैं अपन गणेश पोल, सबसे सुंदर इमारत है इस बिल्डिंग की, ठीक है ना। उस गणेश पोल को विश्व का सबसे अच्छा दरवाजा बताया किसने? फर्ग्यूसन ने। ये भी कलाविद हुए हैं फर्ग्यूसन। गणेश पोल आमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा, राजस्थान का प्रथम दुर्ग जो राजपूत और मुगल शैली का समन्वित रूप है, है ना। ये लाइन तो जो ऊपर जो लाइन थी वही रिपीट हो गई है, ठीक है, ये वाली लाइन आप हटा देना, एक ही वाली लिखनी। फिर अपन देखते हैं राजधानी, ये किनकी राजधानी? कछवाओं की राजधानी था, है ना। कछवा आमेर पे शासक, आमेर के शासकों ने रूल किया, दुलेराय ने 13वीं शताब्दी के शुरू के अंदर राजधानी बनाया, तो कछवा डायनेस्टी की ये हमेशा क्या रहा है? राजधानी रहा आमेर दुर्ग। फिर देखो नाम परिवर्तन देखते हैं अपन, मोमिनाबाद किया 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती 1707 में। मुगल बादशाह बहादुर शाह, है ना, मुअज्जम इसको बोलते हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह मुअज्जम, है ना, परवर्ती मुगल शासक इनको बोलते हैं, लेटर मुगल। पहला भी बहादुर शाह मुअज्जम और आखिरी भी बहादुर शाह कौन? बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो ये प्रथम मुगल परवर्ती मुगल शासक है ना, जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक, जो अपन देखते ना बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वो तो है शाही मुगल, और बहादुर शाह मुअज्जम से लेकर बहादुर शाह जफर तक जो है उनको अपन बोलते हैं परवर्ती मुगल का अधिकार हो गया, ठीक है ना। किसका? बहादुर शाह मुअज्जम। तो मुअज्जम के कारण ही नाम पड़ा जयपुर का मोमिनाबाद का अधिकार। सवाई जयसिंह ने जोधपुर एवं मेवाड़ की सहायता से पुनः इस पर अधिकार किया, मतलब जयपुर पर अधिकार किया, ठीक है। ऐसे है तो मोमिनाबाद पूछा जाता है, मोमिनाबाद कहाँ, ये सुमिलित में आता है क्वेश्चन, तो मोमिनाबाद कहाँ का नाम हो गया था? जयपुर का नाम हो गया। खिजराबाद चित्तौड़, खैराबाद सिवाना, जलालाबाद जालोर, और एक इस्लामाबाद करौली, पांच नाम, पांच हो गए ना, मोमिनाबाद, खिजराबाद, खैराबाद है, जलालाबाद और अपने इस्लामाबाद। फिर आप देखते हैं मुख्य प्रवेश द्वार, गणेश, गणेश पोल, ये देखो ये गणेश पोल, ये फोटो दिखाई दे रही है आपको, बता देखो वैसे भी आप गूगल में डाल दे सकते हो, रंग बिरंगी चित्रकारी के से युग, देखो ये रंग बिरंगी चित्रकारी देख रहे हो इसके ऊपर, ये सारी, ये है इसकी ब्यूटी। और देखो मुगल वास्तुकला में, देखो मुगल वास्तुकला की क्या देन है, ये जो ढलवा छज्जे है ना, है, और ये जो रोशनदान जो बने हुए हैं ऐसे, ये और ये मेहराब जो है, ये मेहराब ढलवा ढलवा छज्जे, ढलवा छज्जे कैसे, जैसे अपन देखते हैं एक तो ये छज्जे सीधे बाहर निकले हुए और एक छज्जे यूं नीचे झुके रहते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं अपन यूं स्लांटिंग, एक तो छज्जा यूं सीधा और एक छज्जा यूं स्लांटिंग यूं रहता है ढलवा छज्जे, वो ये मुगल फारसी शैली है वास्तुकला की। एक मेहराब जो अपन देख रहे हैं, झरोके देख रहे हैं, ये देखो मेहराब देख रहे हो आप, ये मेहराब मुगल शैली की देन है, झरोके देख रहे हैं, ये झरोके ये मुगल शैली की देन है, ऐसे। और देखो ये मीनार के रूप में ये निकला हुआ आगे मीनार, ऐसे तो मीनार जो है ये मुगल शैली की देन है, ऐसे, ठीक है। तो ये है हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप। राजस्थान का सबसे पहला एकमात्र दुर्ग जो हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ, क्योंकि इनके अलावा और किसी इतने दोस्तों से संबंध नहीं थे जितने यहाँ से आमेर और मुगलों। निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने, किसका? इस गणेश पोल का, दुर्ग का नहीं। दुर्ग का निर्माण तो किसने कराया? आधुनिक निर्माता, भाई वैसे तो कौकिल देव ने कराया, आधुनिक निर्माता कौन? मिर्जा राजा मानसिंह। इस कारण इस दुर्ग को बोलते हैं अपने आमेर का दुर्ग, ठीक है ना, मिर्जा राजा मानसिंह।
ठीक है। और सवाई जयसिंह ने गणेश पोल का निर्माण कराया, सवाई जयसिंह। ये सवाई जयसिंह देखो आमेर दुर्ग में तो कराएंगे क्या गणेश पोल का निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का आधुनिक स्वरूप इन्हीं की देन, और जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो अपन देखेंगे क्या जयबाण, वो सवाई जयसिंह ने ही बनवाई थी, जयपुर के संस्थापक 18 नवंबर 1727। ठीक है, तो आमेर दुर्ग, सवाई जयसिंह ने आमेर दुर्ग में तो बनाया गणेश पोल, और जयगढ़ के अंदर बनाया आपने क्या, वेरी गुड जयबाण। तो फर्गुसन ने इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया, आमेर दुर्ग का आंतरिक प्रवेश द्वार है, मतलब आमेर दुर्ग में अपन ऊपर चढ़ के चले जाते हैं, फिर एक चौक आता है, उस चौक में अपन को दिखाई देता है गणेश पोल, और फिर उससे गणेश पोल से अंदर घुसते हैं तो जलेब चौक आता है, ऐसे फिर वो सारे अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो चालू हो जाती है, ठीक है ना। ये जलेब चौक विशाल प्रांगण है, जलेब चौक मतलब युद्ध के बाद यहाँ जश्न मनाया जाता था, मिठाइयां बढ़ी जाती थी, इस नाम है जलेब चौक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके दुर्ग के अंदर अंदर कौन कौन से मंदिर है। ठीक है, सबसे पहला मंदिर अपन देखते हैं सुहाग मंदिर, सौभाग्य की देवी, संगमरमर की अलंकृत जालियां इसके अंदर। ठीक है, सुहाग मंदिर अंदर जैसे गणेश पोल से घुसते हैं तो सुख मंदिर आता है, चंद्रमा आती जाता काम, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने शीला माता का मंदिर। ठीक है, कछवा वंश की आराध्य देवी थी ये, कुल देवी नहीं है, कुल देवी तो अपने जमवाय माता है। ठीक है ना, शीला माता का मंदिर है, नवरात्र में काफी भीड़ होती है, नवरात्र अपन देख चुके हैं, शारदीय नवरात्र और अपने बसंती नवरात्र और शारदीय नवरात्र, बच्चे दो तो प्रकट और दो गुप्त। ठीक है, भूल गए सारे नवरात्र त्योहारों में, चार तो बताई थी, बसंती है, शारदीय और आमा, आषाढ़ और माघ, और वो जो थी वही हमने चैत्र नवरात्रा, मतलब पहली छिमाही में चैत्र में और दूसरी छिमाही में अपने आश्विन में, है ना, तब यह बहुत भीड़ होती है। आराध्य देवी है ना, यह मूर्ति है किनकी, अपने शीला देवी की, मतलब ये शीला माता जो है आराध्य देवी है कछवा वंश की। ठीक है, यहाँ जो शीला माता की जो मूर्ति है वो मिर्जा राजा मानसिंह लेके आए थे, कहां से, जसोर बंगाल से, वहां के राजा केदार को हरा के। फिर यहाँ अपन जगत शिरोमणि मंदिर भी देखते हैं, हाँ, जगत शिरोमणि मंदिर, तो जगत सिंह ये मिर्जा राजा मानसिंह की लड़की थे जो बंगाल अभियान के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर जो मीरा की मूर्ति है, ये मीरा की मूर्ति मिर्जा राजा मानसिंह लेके आए थे, कहां से, अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, चित्तौड़गढ़ में उसी दुर्ग से, उसी मंदिर से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उसी मंदिर से जहां राधा जी जिस मूर्ति की पूजा करती थी मीरा मंदिर में, समदेश्वर महादेव के मंदिर के पास में ना, मीरा मंदिर है ना। और मंदिर का निर्माण कराया कनकावती ने, मिर्जा राजा मानसिंह की जो रानी थी उन्होंने अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में कराया, मूर्ति चित्तौड़गढ़ से आमेर लेके आए मिर्जा राजा मानसिंह। बताया था मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने मंदिर पड़े थे, मीरा मंदिर में भी बताया, मीरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है, चित्तौड़गढ़ वाले मीरा मंदिर के बारे में मैंने यहां से लिंक किया, समझ गए। तो ये दो मंदिर इसके अंदर बहुत फेमस है, शीला माता का मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, पूछ जाते हैं और शीला माता क्या है, कुल देवी है, आराध्य देवी, आराध्य देवी कुल देवी, जमवाय माता कुल देवी, सबके लिए सेम, आराध्य देवी सबके लिए मतलब शासकों के लिए अलग अलग, जैसे अभी शीला माता थी, फिर जब सवाई जैसे देंगे तो गोविंद देव जी हो जाएंगे ऐसे। अब महल देखते हैं अपन कौन कौन से यहाँ महल है, सबसे पहले अपन देखते हैं शीश महल, शीश महल मतलब छत पे शीशे लगे हुए, कैंडल से रोशनी करी तो जगमग है शीश महल, इसको दीवाने खास भी बोला इंपॉर्टेंट मेहमानों के लिए, राजस्थान का सबसे सुंदर शीश महल है ये। फिर यहाँ कदमी महल भी है जहाँ पे राजाओं का राज्याभिषेक होता था, मिर्जा राजा मानसिंह ने बनाया, पहले तो राजदेव ने बनाया था, फिर मिर्जा राजा मानसिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया तो इसका नाम फिर मानसिंह मंदिर पड़ गया। निर्माण 1227 में राजदेव ने कराया। आमेर का प्राचीनतम महल है कदमी महल, पूछते हैं ये क्वेश्चन कदमी महल कहाँ है, आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था यहाँ पे, ठीक है ना। आधुनिक निर्माता कौन, मिर्जा राजा मानसिंह, तब से उसको बोलते हैं मानसिंह महल। ठीक है, फिर अपन देखते हैं मावट, मावट जलाशय, ठीक है ना, इस दुर्ग के सामने जलाशय है, मेन रोड से दिखाई देता है। ठीक है, जलाशय मावट जलाशय, जलाशय ना ये टांके नहीं है, मैं बताऊं जलाशय मावट के लिए जाना जाता है अपने आमेर का महल, आमेर दुर्ग, और टांकों के लिए जाना जाता है जयगढ़, टांके मतलब क्या, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जैसे कमरे बना रखे और उनके अंदर क्या है, पानी फिलता, पानी भरा रहता था कमरों के अंदर पानी। ठीक है, और ये तो एक तालाब की तरह मिनी तालाब, तो मावट है आमेर दुर्ग के अंदर, टांके हैं जयगढ़ दुर्ग के अंदर, याद रखना हमने, है ना। इसी के किनारे मतलब इस मावट जलाशय के किनारे ही संत दादू के द्वारा रज्जब को प्रथम उपदेश दिया था, और प्रथम ही उनके लिए अंतिम बन गया, और फिर जीवन भर जो थे रज्जब दूल्हे के वेश में ही रहे। दूल्हे के वेश में क्यों, क्योंकि रज्जब जो है सांगानेर से आमेर विवाह के लिए जा रहे थे,
ठीक है, तो बीच में दादूजी मिल गए मावड़ जी के किनारे, और दादू ने क्या बोला रज्जब को, रज्जब ते गजब किया सिर पे बांधी मोड़, है ना, मोड़ मतलब अपने सहरा, है ना, रज्जब ते गजब किया सिर पे बांधी मोड़, आया था भरी भजन को करे नर की ठोर, ठीक है ना। तो फिर ये बात लग गई, फिट होगी दिमाग किसी रज्जब की, तो फिर रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में शिष्य बन के रहे, किसके, दादू के, दादू के सबसे प्रिय शिष्य थे रज्जब, देखा अपन ने। और रज्जब दास जी के सबसे अच्छे दोस्त कौन थे, सुंदर दास जी छोटे दोसा वाले, बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ फिर अपन एक बावड़ी भी देखते हैं, पन्ना मीणा की बावड़ी अपने आमेर दुर्ग के अंदर ही, ठीक है ना, ये कदमी महल पन्ना मीणा की बावड़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर अपन दिल यहाँ पे बाघ देखते हैं, दिलाराम बाघ है ना, मावट के सामने ही स्थित है ये बाघ, मावट जो है ना अपने मावट, मावट तो जलाशय है उसके अंदर ही स्थित है ये बाघ, जिनको बोलते हैं दिलाराम का बाघ, केसर क्यारी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मावट दिलाराम का बाघ केसर क्यारी याद रखो। हाथी सवारी के लिए जाना जाता है ये दुर्ग, है ना, हाथी सवारी लास्ट अंतिम अपने गणेश पोल तक जाती है, बुलबुलियों के लिए जाना जाता है अंदर, है ना, मुअज्जम बहादुर शाह जो प्रथम हुए हैं वो सवाई जय सिंह के समय उन्होंने आमेर को जीत लिया था, और आमेर का नाम आमेर या जयपुर का नाम बदल क्या कर दिया था मोमिनाबाद, ठीक है, और फिर वापस सवाई जय सिंह ने इसको जीता 1707 में। ये यूनेस्को, यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, 2013 के अंदर 6 दुर्गों को इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, राजस्थान के 6 दुर्ग, कंबोडिया नोमपने के अंदर ही मीटिंग हुई थी वहां, तो 6 दुर्गों के अंदर ही आमेर दुर्ग सबसे पहला था। तो 6 दुर्ग मैंने बार बार मैप पे बताए, मैप पे याद रखो, है ना, कोई आम गाजर चीकू मत करो उसके अंदर, ठीक है ना, मैप पे याद रखो, बहुत अच्छा याद रहेगा, और मैप पे याद रहेगा ना तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होगी आपके लिए। तो देखो इधर अपने आमेर थोड़ा सा आउट हो गया, आमेर का है ना ये, तो ये देखो ये आमेर, ठीक है, दूसरा रणथंभौर, तीसरा गागरौन, चौथा चित्तौड़, पांचवा कुंभलगढ़, और छठा अपने जैसलमेर। ये जो अपन यहाँ देखते हैं ना, यहाँ क्या बीच में ये जोधपुर, जोधपुर नहीं है इसके अंदर, जोधपुर में स्टूडेंट फंस जाता है मेहरानगढ़ के अंदर ही, मेहरानगढ़ नहीं है यूनेस्को में, ठीक है ना, और मेहरानगढ़ के अलावा जितने भी भवन हैं सारे हैं, उदयपुर का नहीं है कोई भी, सज्जनगढ़ पहले सिटी पैलेस के यहाँ चिपका दो, इसलिए बोल रहा हूँ मैप पे याद रखो, ठीक है। तो सबसे पहले आमेर, देन रणथंभौर, जो ले जाओ ना घड़ी की दिशा में, आमेर, रणथंभौर, गागरौन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, और अपने जैसलमेर, सोनारगढ़। रिवीजन करो एक दो बार, सब याद हो जाएगा यार, ऐसा क्या रिवीजन नहीं करोगे तो कहां से याद होगा, मुझे बताओ। है यूनेस्को द्वारा जून 2013 में विश्व विरासत स्थल सूची के अंदर शामिल, बैठक हुई थी नोमपने कंबोडिया में, और राजस्थान के कुल 6 दुर्ग इसमें विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किए गए। अब बार बार इसका रिविजन करो, रिविजन करोगे तो अपने आप फिट होगी, रिविजन करोगे नहीं और जिद करोगे सर फिट नहीं हुई, ऐसे थोड़े तो फिट करना पड़ता है, समझ गए, ऐसा ओके। फिर इसके बाद अपन जयपुर का ही अगला दुर्ग देखते हैं, जयगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग का पहले माइक्रो लिखा हुआ देखो, क्या चील, माइक्रो क्या लिखा हुआ, चील, ये चील की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। निर्माता कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह, है ना, मिर्जा राजा मान सिंह आमेर महल के हैं, और मिर्जा राजा जयसिंह अपने जय, जिसको बोलते हैं जयगढ़, है ना, तो जयगढ़ में जो जय आ रहा है ना, ये जय कौन है, ये मिर्जा राजा जयसिंह है। ये मिर्जा राजा जयसिंह कौन है, वो पुरंदर की संधि वाले, पुरंदर 1665 में संधि करी शिवाजी के साथ, पुरंदर की संधि वही है, और ये इनकी संकट काल में शरण स्थली था, ठीक है ना। जयगढ़ का दुर्ग पता कैसे लगता है कि यहाँ अपन पानी के टांके देखते हैं, कमरों में पानी भरा एक तरह से, अंडरग्राउंड कमरे उनमें पानी, ठीक है, टांके हैं, शास्त्रागार है, खजाना छुपा के रखा, उस खजाने को ढूंढने के लिए आपातकाल में 1977 में इंदिरा गांधी ने टांकों की खुदवाई करवाई थी, पानी के टांकों, ठीक है ना, शास्त्रागार खजाना, ये शरण स्थली इससे प्रमाणित होती है। यहाँ जयबान तोप है जो किसने बनाई, सवाई जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह तो निर्माता है और सवाई जय सिंह ने जयबान तोप बनवाई, ठीक है। और यहाँ पे सवाई जय सिंह का ही ये बनाया हुआ विजयगढ़ी, जैसे ये दुर्ग है जयगढ़, इसके अंदर ये एक छोटा दुर्ग है, जेल के रूप में यूज आता था, और अपने भाई विजय सिंह को यहाँ इन्होंने कैद किया था, सवाई जय सिंह जो अपने जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह जी, उन्होंने अपने ब्रदर को यहाँ कैद किया था, विजय सिंह जी को, ठीक है। दिया बुर्ज है यहाँ पे, वॉच टावर 7 मंजिला, फोटो दिखाऊंगा, ठीक है। आपातकाल 1917 में इंदिरा गांधी ने यहाँ इसकी खुदाई करवाई थी, अब कहते हैं यूं है, सुना तो सुनाइए सबने, कि दिल्ली से जयपुर तक हाईवे ब्लॉक करवा दिया था
और ट्रक भर भर के सोना गया था दिल्ली, जानता तुम्हें भी नहीं क्या है। चलो खैर आ जाओ गिरी। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, चील की पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण वर्ष 1600 के लगभग ही इसका निर्माण हुआ। निर्माण आरंभ किसने किया, आरंभ उसी ने किया जिसने आमेर का दुर्ग बनाया, कौन, मिर्जा राजा मानसिंह। लेकिन पूरा किसने किया, जयगढ़ है तो जय पूरा करेगा कौन, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, काम चालू करवाया था मिर्जा राजा ने, ठीक है, और निर्माण को पूरा किया, और जो निर्माता कहलाता है इसका, निर्माण को पूरा किया जो निर्माता कहलाता है वो जयसिंह, लेकिन कौन से, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह, है ना। मैंने लिखा हुआ पुरंदर की संधि वाला, 1665 में पुरंदर की संधि मराठों के साथ इन्होंने करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, ठीक है। यूं फिर नामकरण मिर्जा राजा जयसिंह के नाम के पीछे इसका नाम पड़ा है क्या, जयगढ़, और जयगढ़ में है जयबाण तोप, और जयबाण तोप बनाई है सवाई जयसिंह ने, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखूंगी, है ना, और इनके आगे फर्स्ट सेकंड मत लगाओ, ठीक है। जब आमेर दुर्ग के बारे में तो मिर्जा राजा मानसिंह, उसमें फर्स्ट मत लगाओ, मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है। जो सेकंड मानसिंह है वो सवाई मानसिंह है, अपने गायत्री देवी के हस्बैंड, ठीक है। और जयसिंह जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह है, पहले वाले तो मिर्जा राजा जयसिंह तो पुरंदरी संधि वाले हैं, और सवाई जयसिंह वो जयपुर के संस्थापक है 1727, ठीक है। फिर उद्देश्य क्या था इस जयगढ़ दुर्ग का, जो मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया, उसका क्या उद्देश्य था, संकट के समय शरण स्थली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस दुर्ग को आमेर के शासक संकट के समय शरण स्थली के रूप में यूज किए, जयगढ़, यही क्वेश्चन मारवाड़ में आता है, तो सिवाना, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना। मेवाड़ के संदर्भ में आए तो क्या, कुंभलगढ़, ठीक है। प्रमाण कैसे है संकट के समय स्थली के रूप में, प्रमाण सुरंग है, टांके हैं, टकसाल है, शस्त्र निर्माण सवाई जयसिंह का, और जयबाण तोप यहां बनी हुई है, ठीक है। फिर कारखाना संग्रहालय, अपन यहां देखते हैं कि जयबाण तोप है ना, कारखाना संग्रहालय अपन यहां देखते हैं, तोप डालने का विशाल कारखाना यहां पे है, तोप मध्यकालीन शास्त्रों शास्त्र शास्त्र शास्त्रों शास्त्र, का है ना, सशस्त्रों का है ना, सशस्त्रों का, ठीक है, मध्यकालीन सशस्त्रों का संग्रहालय है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ तोप है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है जयबाण तोप, इसकी जो नाल है ये 20 फुट लंबी नाल है, ये जो अपन ये नाल देख रहे हैं ना, ये नाल, ये कितनी लंबी है, 20 फुट लंबी नाल, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कब कभी कंस्ट्रक्ट हुई, थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ बताया, तो इसका निर्माण कब हुआ, 1720 में, 420 में नहीं, 1720 में, ठीक है। एक ही बार ये चली 1734 में, कब, मराठाओं के अगेंस्ट में चलाया, और चाकसू तक इसका गोला जाके गिरा करीबन 40 किलोमीटर दूर, और जहां जाके गिरा ये गोला तो वहां तालाब बन गया, उस तालाब का नाम है गोलेराव, गोले से जो बना गोलेराव तालाब, ठीक है ना। आप जैसे इस जयबाण तोप को देखोगे तो जयगढ़ दुर्ग का जो मुंह है ना, ये दक्षिण की तरफ है चाकसू की तरफ, और जयबाण जो तोप है उसका मुंह भी चाकसू की तरफ है। तो आप सोचो कि इसका मुंह क्यों रखा गया चाकसू की तरफ, है ना भाई, अगर मुगलों से खतरा होता तो इसका मुंह आगरा की तरफ होता या दिल्ली की तरफ होता, ठीक है, मतलब पूरब में होता। मेहरानगढ़ से अगर डर होता तो मुंह पश्चिम में होता, तो जय जवान तोप का मुंह तो किधर है अपने, और ये मुंह ऐसा नहीं कि इसको अपन घुमा लें फिक्स, ये तो आसान नहीं था इसको घुमाना, तो दक्षिण की तरफ चाकसू की तरफ क्यों रखा, क्योंकि चाकसू अपने टोंक रोड कहां जाती है आगे, टोंक, और टोंक से आगे फिर बूंदी कोटा झालावाड़ क्या आ गया, बूंदी आ गया, हाड़ौती आ गया, हाड़ौती वही बूंदी है, जीजाजी बनाम जमाई, और फिर मराठाओं का हस्तक्षेप, मल्हार राव होलकर, तो मराठाओं से डरता, तो इसलिए मुंह इसका इधर रखा जवान तोप का, और फिर चली भी इधर, तो गया भी इधर ही एक बार 1734 में, और 1734 में हुआ था हुडा सम्मेलन ऐसे, और हुडा सम्मेलन भी उपज किसकी थी, सवाई जयसिंह की, मराठाओं को कैसे अपन रोके, पूरा राजपूताना एक हो, लेकिन वो राजपूत के जो अपना आपसे मन मुटाव था, राजपूत शासकों के, मेवाड़ मारवाड़ मेवाड़ आमेर मेवाड़ मारवाड़ राठौड़ के बीच में, तो फिर वो हुडा सम्मेलन फेल हो गया। तो सवाई जयसिंह ने देखा जैसे भी करके अपन इन मराठाओं को रोक सकते हैं, साम दाम दंड भेद सारे लगा दिए उन्होंने, है ना, लेकिन गलती यही छोटी सी कर दी, अगर वो गलती नहीं करते तो हो सकता कि शायद इतना दुखद अंत नहीं होता, और जो गृह युद्ध देखते हैं ईश्वर और माधु सिंह, ईश्वर है ना, माधु मांगे आगे ईश्वर देव, माधु मांगे आदो ईश्वर देव पाओ राम पूरे में दाओ, बताया मैंने आपको एक बार, तो वो गृह युद्ध वाली स्थिति नहीं होती ईश्वर सिंह और माधु सिंह, ठीक है ना। तो दो बड़ी गलतियां कर दी, एक तो बूंदी से जो बैर ले लिया, भाई बूंदी से दोस्ताना संबंध रहे तो मराठों को रोकने का काम बूंदी करता, जयपुर को
जरूरत भी पड़ती थी अगर तो जयवंत तो मनाने की, और दूसरा जो मारवाड़ और मेवाड़ में जो गलत वादा करके आ गए हैं, शादी हो गई, हमने देखा सूरज गवरी से भी, मारवाड़ में सूरज गवरी से भी और मेवाड़ के अंदर चंद गवरी से भी, सूरज गवरी अजीत सिंह की पुत्री और चंद्र गवरी अपने अमर सिंह की पुत्री, और दोनों को वचन दे दिया कि तुमसे जो पुत्र होगा वो अगला जयपुर का शासक होगा। जोधपुर की जो राजकुमारी थी अपने कौन सूरज गवरी, उनसे पैदा हुए अपने कौन ईश्वर सिंह, और मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र गवरी से पैदा हुए कौन माधो सिंह। अब शासक तो एक ही बनेगा ना, ईश्वर सिंह बने शासक, माधो सिंह नहीं बने, तो वही फिर बात होगी ग्रह युद्ध छिड़ गया, माधो मांगो आदो ईश्वर देव ना पाओ, राम जी की मर्जी तो पूरे बताओ। तो फिर मराठाओं से मदद मांगी माधो सिंह, और फिर वो सत्यानाश से होता चला गया जयपुर स्टेट का ऐसे। ठीक है, ये गोलेराम तालाब है, फिर अष्ट धातु से बनी हुई है, इसके जो बैरल जो नाल है वो 20 फुट लंबाई है जो मैंने अभी बताया, फ्रंट व्हील जो है उसकी हाइट है 9 फिट, ये जो फ्रंट व्हील देख रहे हैं 9 फिट, ठीक है, अब अंदाजा लगाओ 9 फिट कितनी होगी, ठीक है ना, ये इतना ही इतना देखो, ये तो होगा करीबन 6 फिट है, और 9 फिट देखो कितना होगा, अंदाजा लगाओ। कमरे की एक जो नॉर्मल अपने ऊंचाई होती है वो 11 से 12 फिट होती है, देख लो कितना ऊंचाई व्हील होगा फ्रंट व्हील, पीछे वाले जो व्हील है उनकी ऊंचाई है ये 4 फीट 6 इंच पीछे वाले। इसकी रेंज जो थी वो 30 किलोमीटर थी, तो करीबन 35 किलोमीटर दूर चाकसू जाके गिरा जहां गोलेराव तालाब बना, एक ही बार चली है ये 1734 में। पेलोड मतलब 100 किलो, मतलब ये इसकी नाल से 100 किलो का गोला अपन दाग सकते थे, 100 किलो का गोला ये 30 किलोमीटर दूर ले जाके ज्यादा से ज्यादा गिर सकती थी। और इसका खुद का वजन कितना है 50 टन, खुद का मतलब अष्ट धातु से बनी हुई, तो देख लो ऐसे। ये थी जयवान टॉप, बनाई किसने, सवाई जयसिंह जी ने ऐसे, समझ गए जयगढ़ दुर्ग के अंदर। फिर एक मल्टी बैरल लॉकेट लॉन्चर हो रहे, जैसे आज अपने पास पिनाका है, ये उस समय का है, तो ये भी शास्त्रकार में बना हुआ, इसका नाम क्या आपने नागिन तो नागिन नागिन है नागिन डांस नहीं नागिन तो, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर था, एक साथ अपन जैसे इसके अंदर 6 गोले दाग सकते हो एक साथ, देखो आगे मुंह देख रहे हो 1 2 3 4 5 और ये बीच में 6, तो एक साथ ये 6 मिसाइल्स को फायर कर सकता था, यूं कि जैसे आज अपने पास पिनाका रॉकेट है जो एक साथ मल्टी जारी होते हैं ऐसे, तो ये नागिन क्या था, मल्टी बैरल, ठीक है, एक नाल में 6 छोटे नाले थी इसके अंदर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे अभी वर्तमान में इंडियन आर्मी के पास पिनाका है। प्रयोग 1747 में हुआ राजमहल के युद्ध में ईश्वर सिंह, और ईश्वर सिंह ने यूज किसके खिलाफ किया, अपने भाई के खिलाफ ही, माधो सिंह। ईश्वर सिंह था अपने मारवाड़ राजकुमारी सूरज कुमारी का पुत्र, और माधो सिंह थे अपने मेवाड़ राजकुमारी चंद कुमारी के पुत्र, ठीक है, गृह युद्ध वही माधो मंगा दो। फिर राजकोष यहाँ पर देखते हैं किन शासकों ने गढ़वाया, कछवाहा शासकों ने, और इसी राजकोष को निकलाने की एक कोशिश करी थी 77 में, मतलब 75 में इंदिरा गांधी ने, वो 75 है ना शायद, ऊपर 77 लिखा है, 75 कर लेना, आपातकाल जो था इमरजेंसी 75 में लगी थी, 77 में तो फिर 27 बदल गई थी। खजाने की खोज जून 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान की गई, अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, ठीक है ना, उसमें 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी पूरे देश में, उस समय यहाँ टांकों को खोदा गया था कि इनके पानी के नीचे खजाना है। फिर अपन देखते हैं यहाँ बाह्य आक्रमण, कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन इस पर जो आक्रमण का खतरा था वो किनका था, मराठाओं का था। दुर्ग में जो स्मारक देखते हैं अपन, सुबट खिलवत है ना, सुबट निवास, खिलवत निवास, और सबसे इंपॉर्टेंट है कठपुतली घर, ठीक है ना, और किसी दुर्ग के अंदर कठपुतली घर नहीं, यहाँ 2 मंजिला कठपुतली घर है, ठीक है, तो ये कठपुतली घर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। कारखाना शस्त्र निर्माण तोप निर्माण का, इसके अंदर लघु जेल है जिसको विजयगढ़ी बोलते हैं, ये जेल के रूप में था। विजय सिंह कौन, सवाई जय सिंह के भाई, तो सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ कैद करके रखा था। ये है देखो विजयगढ़ी दुर्ग के अंदर दुर्ग, तो ये देख रहे हैं अपन, ये दुर्ग के अंदर दुर्ग, तो दुर्ग तो पूरा ये बाहर देख रहे हैं अपन, ये तो पूरा जयगढ़ी, और ये बीच में देखो ये दुर्ग मतलब विजयगढ़ी, तो कमरे देख रहे हैं कि कहा जाता था इनमें किसी कैद करते थे तो वो जिंदा बाहर नहीं आता, तो यहाँ कैद किया था विजय सिंह को, ठीक है। फिर कंगनवाड़ी अलवर में भी बनाया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रकाश स्तंभ, जिसको बोलते हैं दियाबुर्ज, 7 मंजिला है ये दियाबुर्ज, 1 2 3 4 5 6 देखो 1 2 3 4 5 6 7 मंजिला, और इसके ऊपर ये जयपुर फ्लैग लहरा था। आप कभी जयपुर में इधर खड़े होकर देखो जयपुर की पहाड़ी पे, मौसम साफ हो तो दिखाई देता है, ठीक है। जयपुर फ्लैग है, दो झंडे, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, जो बड़ा वाला झंडा है वो है रानी का, बड़ा वाला रानी का, और छोटा वाला झंडा है वो है राजा का।
ठीक है। और छोटा वाला जो झंडा जो है ना, ये क्या है, सवा है, एक बटा चार, सवा बोलते हैं अपन, सवा एक बटा चार है बड़े वाले झंडे का, ठीक है, 1/4 है सवा, तो सवाई टाइटल ही औरंगजेब ने दिया था सवाई जयसिंह को, ठीक है ना, जयपुर शहर के संस्थापक को, हिस्ट्री में अपन ने देखा ही है, औरंगजेब ने दिया था सवाई जयसिंह को टाइटल सवाई का, तुम तुम्हारे ग्रैंडफादर से सवा हो, ग्रैंडफादर से तुलना करी थी मिर्जा राजा मानसिंह से, ऐसे है ना। और क्या था, हाँ, और ये जैसे दोनों दोनों झंडे जब फहराते रहते हैं ना, तो इसका मतलब राजा और रानी दोनों दुर्ग के अंदर है, ठीक है। और जब राजा दुर्ग के अंदर मतलब जयपुर में नहीं होते थे उस कभी, या दुर्ग में नहीं होते थे, तो ऊपर वाला जो झंडा है छोटा वाला, वो राजा का झंडा था, वो नहीं होस्ट होता था, उसका मतलब राजा दुर्ग में, राजधानी में नहीं है, ऐसे। और जब दोनों दुर्ग फहरा, दोनों झंडे फहराते थे छोटा और बड़ा, तो मतलब राजा रानी दोनों आज दुर्ग के अंदर, छोटा वाला झंडा नहीं तो मतलब राजा जी आज दुर्ग में नहीं है, कहीं बाहर गए, ऐसे, ठीक है। ये जयपुर फ्लैग सवा, सिटी पैलेस पे भी अपन देखते हैं, है ना, जो चंद्रमहल है उसके ऊपर भी ये झंडा फहराता रहता है जयपुर स्टेट का, पंचरंगा है, पंचरंगा मिर्जा राजा मानसिंह ने 5 कबीलों को हराया था, अकबर ने जब इनको बोला था जाओ काबुल में, काबुल कंधार में जाके वहां के जनजातियों को हराओ, तो मिर्जा राजा मानसिंह ने हराया था और हर जनजाति का झंडा लेके आए थे, तो इसलिए जयपुर स्टेट पंचरंगा है, जयपुर स्टेट का फ्लैग जो है पंचरंगा है, ये मैंने कछावा डायनेस्टी की हिस्ट्री में बताया पूरा। फिर अपन टांके देखते हैं, टांके क्या है, पानी संग्रहण के लिए विशाल टांके यहाँ पे बने हुए हैं। फिर जो अच्छा है, जो अभी वर्तमान में एक वैक्स म्यूजियम यहाँ पे बना है, वैक्स म्यूजियम, मोम का म्यूजियम, मतलब मोम के पुतले हैं यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर के, सचिन तेंदुलकर के, अपने अमिताभ बच्चन का, शायद लता मंगेशकर का भी है, ये तो मोम के पुतले यहाँ बने, वैक्स म्यूजियम किसमें, नाहरगढ़ में, है ना, नाहरगढ़ में शेरदुर्ग। और फिर देखो यहाँ पे मतलब वैक्स स्टैचूज हैं, शायद 8 हैं, 7 या 8। यहाँ पे गति गामनी है बाइक रखी हुई है इनफील्ड की, 3 टायर है इसमें, देखो 1, 2, 3, बीच वाला स्टेपनी नहीं है, काम में आता था ये गति गामिनी, ठीक है, ये मतलब ये वो धातु वाली रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल है, यहाँ रखी हुई है गति गामनी वैक्स म्यूजियम में, वैक्स की नहीं है, ओरिजिनल धातु की, 3 टायर वाली, मतलब यूज साइकिल, लंबी वाली साइकिल देखी होगी ना हमने, 3 टायर वाली ये वैसे है, ऐसे गति गामिनी इसका नाम है। तो वैक्स म्यूजियम में से कौन से दुर्ग में है जयपुर में, आमेर के दुर्ग में, नारगढ़ में, या अपने आमेर दुर्ग नारगढ़ या जय आमेर गढ़ दुर्ग में है, आमेर आमेर दुर्ग में है, जयगढ़ में है, या नारगढ़ में है, तो ये जयगढ़ में है अपने, क्या वैक्स म्यूजियम, ठीक है, है ना, इसमें ये करेक्शन है, ये वैक्स म्यूजियम है ना, ये जयगढ़ में नहीं है, ये नारगढ़ में है, इसमें इस नाहरगढ़ में लिखना है आपको, नीचे लिखना था मेरे को, गलती से यहां लिखा गया, वैक्स म्यूजियम जो है अपने जयगढ़ में नहीं है, नाहरगढ़ में, नाहरगढ़, ठीक है, ये मैंने जब अभी बोला तब मुझे ध्यान आया कि ये गलत लिखा गया है ना, जयगढ़ में नहीं, जयगढ़ में तो जयवान टॉप टांके शास्त्रागार ऐसे, और वैक्स म्यूजियम किस में, अपने नाहरगढ़ के अंदर है, सबसे पीछे में, जैसे अपन पूर्व से पश्चिम अगर दुर्ग देखे ना, मतलब जैसे ये तो है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आता है अपने आमेर दुर्ग, फिर आता है अपने जयगढ़ दुर्ग, और फिर आता है अपने ये नाहरगढ़ दुर्ग, ऐसे नाहरगढ़ दुर्ग ये इधर, इधर शास्त्री नगर आ जाता है, इधर शास्त्री नगर, विद्याधर नगर उस तरफ है, ये अपने मेन जो जयपुर है, जो अपन देखते हैं ना अपने सिटी पैलेस है उसके पीछे, और ये अपने इधर दिल्ली रोड की तरफ है, गूगल मैप पे देख लो एक बार, समझ में आ जाएगी सारे, ऐसे, ठीक है। तो ये अपने इस फाइल के अंदर अपन ने दो दुर्ग देखे, अपन ने आमेर का दुर्ग और जयगढ़ फोर्ट, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो आप ध्यान रखो इसके बारे में, समझ गए। ये था जयगढ़ दुर्ग जो है ना, जयगढ़ दुर्ग में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने शास्त्रागार जयपान तो, ठीक है, और एक अपने किसका क्वेश्चन, टांके वाला इमरजेंसी के दौरान कौन सा दुर्ग खुदवाया, वो शरण स्थली जयगढ़, और आमेर वाले फोर्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने किसके, गणेश पोल के, है ना, और वो अलब्रह्मा, है ना, मैंने जैसा अलब्रह्मा के बारे में सुना, अलब्रह्मा कैमरिल के बारे में, कैमरिल में देखा, और अलब्रह्मा स्पेन में से सुना, उससे भी भव्य है कथन, किसका, वो अपने बिशप हेबर का, किसके बारे में, आमेर दुर्ग में गणेश पोल के बारे में, ठीक है, ऐसे तो ऐसे इनको देखो, फिर मैं इनके आपको क्वेश्चन और बताऊंगा, तब अपन और इसको डिटेल में अपन अच्छा और समझ में आएगा, ठीक है, ये है।